तो गाइस आज हम इस वीडियो में सिप्ला कंपनी के जो लिवोलिन रेस्पुल्स हैं उनका रिव्यू करेंगे। साथ ही मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसकी कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये सब हम इसी वीडियो में जानेंगे। और इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और जो इसका इसको यूज़ करने के बाद कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। लिवोलिन 0.63 mg। तो प्राइस की बात करें तो लिवोलिन 0.63 mg के जो रेप्सूल्स हैं वो आपको 22.30 रुपये के मिल जाते हैं गाइस। और जो बैच नंबर है और मैन्युफैक्चर डेट है और एक्सपायरी डेट है वो आप आगे देख सकते हैं इसके। तो गाइस पैकेट खोल कर आपको दिखाता हूँ कि आपको पैकेट खोलने पर कितने रैप्सूल्स मिलते हैं और जो एक रैप्सूल है उसका प्राइस मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस देखिए कुछ इस तरह के जो है रैप्सूल्स आपको मिलेंगे पैकेट खोलने पर। और जो इनका यूज़ है वो इन्हेलेशन के लिए है, देखिए जो साइड में आप देख भी सकते हैं, फॉर इन्हेलेशन ओनली। और इन्हेलेशन के लिए आपको एक नेबुलाइज़र की ज़रूरत होगी। नेबुलाइज़र एक तरह की मशीन है जो इस सॉल्यूशन को मिस्ट बना देगा, एक तरह की भाप बना देगा और वो आपको सांस के माध्यम से लेनी है अंदर। और पर रैप्सूल्स की बात करूँ तो ये आपको 4.46 रुपये कुछ समथिंग का मिल जाता है। और जो इसके इंग्रेडिएंट की इसके साल्ट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको लिवोसल्बुटामोल साल्ट मिलता है। ये एक तरह का ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब गाइस ये जो सांस की नली है उसको डायलेट कर देता है। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए जो आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं लिवोसल्बुटामोल इन्हेलेशन सॉल्यूशन 2.5 ml का। डोज की बात करें तो 6 से 11 साल के बच्चे को 0.31 mg के रेस्पूल दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए 12 साल या 12 साल से बड़े के लिए तो 0.63 mg के रेस्पूल आप दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। और अगर उससे रिलीफ नहीं आ रहा तो ये डोज मैक्सिमम 1.25 mg तक हो सकती है दिन में 3 बार। लेकिन इस डोज को देने के लिए पेशेंट को मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो काफ़ी बढ़ने के चांस रहते हैं इसलिए। तो इंडिकेशंस की बात करें तो इसका यूज़ COPD के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, अस्थमा या दमा के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, और निमोनिया में इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखा गया है। साथ ही अगर वायुमार्ग में अवरोध हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो किसी भी कारण, बलगम के कारण हो या इन्फ्लामेशन के कारण हो तब, और फेफड़ों में सूजन हो तब इसका यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने जो हाथ हैं वो अच्छे से सोप से या हैंड वॉश से धोने हैं। और मैं इस में 0.63 mg का जो हमारा रैप्सूल है उसको यूज़ करूँगा 2.5 ml का वाया नेबुलाइज़र। तो ये हमारा नेबुलाइज़र है आप देख सकते हैं। और ये हमारा जो मेडिकेशन चैम्बर है इसको आपने कभी भी नहीं खोलना। अगर आपने धोना है तो आप इसे खोल सकती हैं, अदरवाइज़ आप इसे ना खोलें ताकि इन्फेक्टेड ना हो। और यहाँ से जो है वो सॉल्यूशन हम इसके अंदर डालेंगे जैसा कि आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये देखिए आपने जो हमारा रेस्पूल है उसको ट्विस्ट करना है, देखिए कुछ इस प्रकार। और फिर जो दबा के आपने जो सॉल्यूशन है वो इस मेडिकेशन चैम्बर के अंदर डालना है। आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। और ये जो मास्क लगा रहा हूँ मैं, एडल्ट मास्क है एडल्ट को लगाने के लिए, आप यहाँ से भी सॉल्यूशन को आप डाल सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह। और मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये किस तरह का जो है मिस्ट बनाता है, किस तरह का जो धुआं है वो बनाता है। और इस मास्क के थ्रू आपने जो है सांस लेनी है और मुँह से लेनी है, देखिए कुछ इस तरह का जो है धुआँ निकलेगा और आपने सांस के माध्यम से लेना है। ये एडल्ट मास्क था और ये है बच्चों के लिए, 6 से 11 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये मास्क है।
ये देखिए कुछ इस तरह का जो है धुआं निकलता है, और ये 6 से कम साल के बच्चों के लिए है, और आप चाहें तो इसको मुंह में लेके भी सांस ले सकते हैं, लेकिन मैं तो इसका बच्चों में यूज़ करता हूँ। बच्चों की नाक के आगे इसको रखना होता है, और जो है बच्चे सांस लेते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो गाइस, टैकीकार्डिया, छाती में दर्द और वायरल इन्फेक्शन, जीभ में सूजन, होठों पर सूजन, और जो पलके हैं उसमें सूजन हो जाती है, और फेस पर भी कई बार सूजन आ जाती है, और किसी भी चीज़ को निगलने में दिक्कत आ जाती है। तो इस साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपने नेबुलाइज़र लेने के बाद हमेशा अपने जो हाथ हैं वो अच्छे से धोने हैं, और आप चाहें तो हैंड वॉश का यूज़ करें या किसी भी तरह का साबुन का यूज़। नेबुलाइज़ लेने के बाद आपने जो पानी है उसको उससे गार्गल करने हैं, मुंह के दाएं बाएं अपने पानी को घुमाना है और गार्गल करनी है अच्छे से, और फिर आपने अपने मुंह को धोना है ताकि जो आपने सॉल्यूशन मुंह से खींचा है वो सारा का सारा धुल जाए और बाहर निकल जाए, और जो हमारा सॉल्यूशन फेस पर लगा है धुएं के रूप में वो भी अच्छे से धुल जाए। इसलिए आपने अच्छे से जो है फेस वॉश करना है, सारा का सारा जो है वो फेस पर नहीं रहना चाहिए। तो गाइज़ आपने देखा कि जो ये लिवोलिन रैप्सूल्स हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, और जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो नेबुलाइज लेते हैं, तो उन सभी लोगों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इसको लेने वाले हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे, और जो इसके कारण जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम हों। तो गाइज़ मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलूँगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। ओके, टाटा बाय बाय।